हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज काली कॉन्शियसनेस का छोटू सा वीडियो लेके आया हूं। ये ओवरऑल गाइडेंस होगा क्योंकि कल है 77 पोर्टल। तो ये 77 पोर्टल में माँ आपको क्या बोल रही है, 77 मतलब क्या है कि स्पिरिचुअल पोर्टल। तो हमारे सोल एक स्पिरिचुअल पोर्टल के अंदर आ रहे हैं। इस टाइम पे हम लोग कार्मिक कनेक्शंस के ऊपर फोकस करेंगे, अवेकनिंग के ऊपर फोकस करेंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करेंगे। यस, हम लोग कुछ चीज़ें रिलीज भी करेंगे, रिलेशनशिप में कार्मिक नेगेटिव टॉक्सिक बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा, सारे चीज देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, माँ का रीडिंग है, सबके लिए माँ रीडिंग देंगे। तो अगर आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, ये रीडिंग आप ही का है, कलेक्टिव है। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। स्पिरिचुअल पीपल के लिए ये वीडियो है, खास करके जो लोग विश्वास करते हैं और डाउटफुल नहीं होते हैं। चलिए, और एक चीज़, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो प्राइवेट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत भेजिए और मैंने कभी भी आपको कमेंट करके नहीं बोलूँगा। ये सब फेक स्कैमर से इनसे बचिए, ठीक है। चलिए देख लेता हूँ कि काली माँ आपको क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मर्थो मुखते देवी नारायणी नमस्ते। माँ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज, वाओ। देखो, काली महामाया का मैसेज आए है, यानी कि माँ आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझा लेके चल रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन्स लेके चल रहे हो। ये रिलेशनशिप में मैं देख सकता हूँ कि आप सारी चीज़ों को बचा के चलना चाहते हो, अपने पर्सनल रॉ रिजिड जो आपके ओन ओरिएंटेशन है, आपके जो ओन इनर सेल्फ है, आपके जो अंदर के आवाज़ें हैं, इसको आप दबा रहे हो। क्यों दबा रहे हो? यहाँ पे माँ बार बार बोल रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, आप रॉ बनिए, आप जो कहना चाहते हो वो कहिए। क्यों आप खुद को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्यों आप किसी चीज़ों को बचाना चाहते हो? बार बार एक चीज़ माँ देख रहे हैं कि आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो रहे हो, रहे बात रिलेशनशिप का, रहे बात काम का। काली महामाया मतलब आप उतारो अपने सारे जो नेगेटिव टैग आपके ऊपर लगाए है, जो नेगेटिव जजमेंट लोग आपके ऊपर किए है, वक्त आ गया है कि आप वहाँ से बाहर आओ और बाहर आके इस दुनिया को देखो, अपने अंदाज से पूजा करो, अपने अंदाज से कनेक्ट करो। आप सब कुछ कर सकते हो, बट अभी भी आज आप डाउटफुल हो। एक चीज़ मैं बोलता हूँ और माँ भी आपको सेम ही चीज़ बोल रहे हैं, अगर आप डरोगे तो और डराएगा ये ज़िंदगी आपको। अगर आप डर सामना करोगे तो धीरे धीरे आपको हर चीज़ें आसान हो जाएगा। हम सभी लोग स्ट्रगल करते हैं और इसीलिए माँ मदद भी करते हैं। तो रिस्क लेना है, आगे बढ़ना है, यहाँ पे जजमेंट्स को हटाना है। लोग बुरा भला बोलेंगे, ये लोगों का काम है, बट आपको क्या करना है, अपने सोल पर्पस के ऊपर फोकस करो। स्टक फील कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप खुद जजमेंट क्रिएट कर रहे हो। रिलेशनशिप में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करना ही है। एक बहुत टफेस्ट साइकिल खत्म हो रहे हैं, एवी नहीं खत्म होता है, बहुत दर्द महसूस होता है और वही चीज़ आपका हो रहा है। हो सकता है कि आपका तबीयत खराब है, हो सकता है मेंटली ट्रॉमाटाइज्ड हो, फिर भी किसी को कुछ नहीं बोल पा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मर जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि आगे नहीं जा पाएंगे, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म, बट खत्म कुछ भी नहीं है। माँ है, बिलीव के नाम है, आपके जो अंदर जो बिलीव सिस्टम है उसका नाम है काली, आपके धर्म का नाम है काली, आपके जीवन का नाम है काली। सो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, ये एक मोटिवेशनल वीडियो की तरह ही आप मान लो। माँ बोल रहे हैं कि माँ अपने शरीर पे कोई कपड़ा नहीं पहनते, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, ना वो जजमेंटल है, ना वो किसी को जज करते हैं, ना ही वो जजमेंट को सहते हैं। उसके लिए सब कुछ एकदम इक्वल है कि अगर आप उसको पूजा करोगे, अगर आप उसको प्यार करोगे, वो आपके पास रहेंगे। अगर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या फिर उसको मैनिपुलेट करेंगे, वो आपसे दूर हो जाएंगे। माँ ऐसे ही कुछ चीज़ के लिए आपको बोल रहे हैं कि कौन से वो चीज़ें जो आपको रिलीज़ करनी है, कौन से वो चीज़ें जो आपको पता है कि आप वो चीज़ सही नहीं कर रहे हो, कौन से वो चीज़ें कि आप रिपीटेटिवली करते जा रहे हो और आपको भी पता है कि ये गलत हो रहा है। हो सकता है कि आप एक ऐसे जॉब में हो जो जॉब को आप नेक्स्ट डे भी क्विट करना चाहते हो, हो सकते हो कि आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जिस रिलेशनशिप के बहुत कुछ आप बोलना चाहते हो सकता है कि एक ऐसे टॉक्सिक पैटर्न में बंधे हो कि आपको भी पता है कि आप लेजी हो रहे हो और आप और भी अच्छे से काम कर सकते थे बट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे बात आते हैं इंट्रोस्पेक्शन के, यहाँ पे बात आते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के और बात आते हैं जजमेंट को हटा के खुद को एक डिफरेंट नज़रिए से देखने के करी। यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ कि टैरोट से क्या करना, क्या करने के लिए माँ बोल रहे हैं, क्या करने के लिए माँ आपको बोल रहे हैं। पहला, अपने प्रायोरिटीज़ को संभालिए। आप जगल कर रहे थे,
एक बैलेंस पे लेके आइए खुद को, बॉडी माइंड एंड सोल को। यहाँ पे दो मल्टीपल टास्क करना सीखिए या फिर लाइफ के दो हिस्सों के ऊपर फोकस करना सीखिए। खास करके अगर रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हो और रिलेशनशिप डेवलपमेंट नहीं हो रहे तो अपने फाइनेंशियल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी फोकस करना होगा। इक्वल बैलेंस आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट और क्या करना है, माँ बोल रहे हैं सिक्स ऑफ कप्स, रियूनियन हो रहा है, बट ये रियूनियन भगवान ईश्वर अल्लाह ने करवा रहे, माँ करवा रही है, क्योंकि कुछ एक ऐसे डिवाइन इंटरवेंशंस होगा जहाँ पे आपको भी लगेगा कि क्या ये सच में रियलिटी है। कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, 7-7 पोर्टल, यहाँ पे आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, जो डिवाइन चाहते हैं वो होगा। इस जगह पे मैं एक साइन बोल सकता हूँ, रिपीटेड नंबर्स छोड़ो, देजा वो होगा, एक सपना जो आप रियलिटी में देखोगे कि हाँ ये तो रियलिटी में हो रहा है बट इसी सेम चीज़ को मैं सपने में देखा था, तो देजा वो। पास्ट पर्सन वापस आएंगे, क्षमा मांगेंगे, बट आप ही को डिसाइड करने के किसको क्षमा करेंगे और किसको नहीं। कुछ ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन है जिसके साथ आपको कट ऑफ करनी है ही है, बिकॉज वो टॉक्सिक है, वो आपके यूज करने के लिए आ रहे हैं। सेकेंडली ऐसे माँ उन लोगों के लिए है जिनको अपना माँ बाप भी नहीं मानते, जिनको कोई भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप एक ऐसे माँ के बेटी या फिर बेटा हो जो ऑलरेडी रिजेक्टेड हो चुका है ये सोसाइटी से, तो क्या मिलेगा? सरप्राइज क्या है? सरप्राइज है जब आप अपने लाइफ का एक मोटिवेशन ढूंढ पाओगे, जब आप दूसरों को एक लाइफ प्रोवाइड कर पाओगे, जब आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छे लाइफ प्रोवाइड कर पाओगे, जब आप अपने समाज के लिए कुछ करेंगे। वैसे ही एक मोमेंटम आ रहा है, उस मोमेंटम को मत गवाइए। लेट्स सी, और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये बात होते हैं कर्मा के, तो आपके कर्मा बहुत अच्छा है, खास करके टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस एंड एरीज लियो सेजिटेरियस के लिए है, जेमिनी एंड एक्वेरियस भी है ये एनर्जी। तो क्या आ रहा है, माँ बोल रहे कि जो अच्छा कर्म आप करोगे उसका प्रॉपर रिटर्न आपको मिल जाएगा। एफर्ट्स देते रहो, अपने नेक काम को करते रहो एंड माँ आपको प्रोटेक्ट करेंगे। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स बोलो, रिलेशनशिप में एक नया चेंज बोलो, नया मोड बोलो, सब हो जाएगा। इंतज़ार करिए एंड माँ के ब्लेसिंग्स के लिए वेट कीजिए। माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सो कमेंट करके बोल दीजिए जय माँ काली महामाया, जय माँ काली महामाया। ऑल द वेरी बेस्ट, ओम प्रेम दक्षिणा काली के नमो। सब लोग खुश रहिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कीजिए मेरे ब्लू टिक वेरीफाइड माँ काली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, वहाँ पे मैं रेगुलर हिंदी रील प्रोवाइड करता हूँ, एंड मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर।